झारखंड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 7 विधानसभा बैठकों की पेटा चूंटनी की जाहरात थी चुकी है। 7 बैठक पर 5 सप्टेम्बरे मतदान थशे, जारे 8 सप्टेम्बरे परिणाम जाहिर थशे। झारखंड की डुमरी विधानसभा बैठक जगन्नाथ महंतोना निधन बाद खाली पड़ी थी, जारे केरल की पुथुपल्ली विधानसभा बैठक ओमान चांडी, त्रिपुरा की बोक्सानगर बैठक समसूल हक, पश्चिम बंगाल की धूपगुरी विधानसभा बैठक विष्णु पांडे और उत्तराखंड की बागेश्वर बैठक चंदन राम दास ना निधन बाद खाली पड़ी थी। त्रिपुरा की अन्य एक धानपुर विधानसभा बैठक प्रतिमा भैमिक ना राजीनामा ना कारण खाली पड़ी थी। आज रीते उत्तर प्रदेश की विधानसभा बैठक दारासिंह चौहान राजीनामु आपता खाली पड़ी थी। विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार विरुद्ध लावामा आवेला अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा दरमियान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई जणाव्यु कि मणिपुर में हिंसा थई रही छे, त्यारे हजु सुधी मणिपुर मुख्यमंत्री ने हांकी काढवामां आव्या नथी। लगभग 80 दिवस सुधी पीएम मोदी संसद भवन बहार मणिपुर हिंसा विषय कोई बात करी नहीं, तो पीएम आटला दिवसों सुधी मौन केम रह्या? कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन प्रतिनिधि मंडले मणिपुर की मुलाकात लीधी छे, परंतु पीएम मोदी हजी सुधी मणिपुर की मुलाकाते आव्या नथी। पीएम मोदी मणिपुर विषय मौन व्रत धारण कर्यु छे अने आ माटे विपक्ष ने आ मुद्दे चर्चा करवा माटे केंद्र सरकार सामे अविश्वास प्रस्ताव लावो पड्यो। मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते, ये हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। संसद ना चौमासु सत्र नो 14मो दिवस छे। लोकसभा में मणिपुर हिंसा अंगे केंद्र नी मोदी सरकार विरुद्ध लावामा आवेला अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाली रही हती, तो आ समय अविश्वास प्रस्ताव रजू करता कांग्रेस ना सांसद गौरव गोगाईए पीएम मोदी ने प्रश्नो पूछता कह्यू कि मणिपुर बधा गया पण पीएम मोदी केम न गया, तेमणे मणिपुर मुद्दे बोलवा माटे 80 दिवस केम लीधा, तेमज तेमणे कह्यू कि गुजरात में 2 वार सीएम बदलाया तो मणिपुर में केम नहीं। लोकसभा में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले मोंघवारी बेरोजगारी मणिपुर हिंसा सहित मुद्दे केंद्र सरकार की झाटकनी काढ़ी थी। मणिपुर में थयेली हिंसा और घर्षण बनाव कारण कुल 179 लोगना मौत और 60,000 थी वधु लोग विस्थापित थया छे। प्रदेश में हिंसा कारण 3,000 थी वधु घरों ने नुकसान अथवा क्षति पहुंची छे। राज्य में सुरक्षा बलों की 161 कंपनी तैनात करवामां आवी, हवे आ छतां पण स्थिति काबू में आवी रही नथी। 331 धार्मिक स्थलों ने नुकसान पहुंचाड़वामां आव्यु छे। प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म सहित अन्य गुनाओं कुल 10,000 थी वधु मामला में सामे आव्या छे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में जणाव्युं हतुं कि मोदी अटक बदनक्षी केस में सुप्रीम कोर्टे सूरतनी कोर्टे राहुल गांधी ने फटकारेली सजा पर स्टे आप्यो छे अने तेना आधार पर तेमनी लोकसभा सदस्यता पुनर्स्थापित थई छे। सुप्रीम कोर्टे स्टे ऑर्डर आप्यो छे। राहुल गांधीए जणाव्युं हतुं कि तेओ माफी नहीं मांगे, आ साथे ज कह्युं हतुं कि हुं सावरकर नथी। कटाक्षमां निशिकांत दुबे जणाव्युं कि राहुल गांधी क्यारे सावरकर नहीं बनी शके। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते, कभी सावरकर नहीं हो सकते। संसद नुं चौमासु सत्र पूरू थतानी साथे ज भाजप विपक्षी पार्टीओना गठबंधन इंडिया पर जोरदार वर्तो प्रहार करवानी तैयारी में छे। पीएम मोदी क्विट इंडिया मूवमेंटनी शुरुआत करशे। सूत्रोना जणाव्या अनुसार पीएम मोदीए बीजेपी सांसदोनी संसदीय दलनी बैठकमां आनी जाहेरात करी हती। तेमणे बैठकमां कह्युं हतुं कि संसदनुं सत्र पूरू थतां ज देशमां एक अभियान शुरू करवामां आवशे। आ अभियानमां तुष्टिकरण, परिवारवाद अने भ्रष्टाचारना नारा आपवामां आवशे। आ दरमियान तेमणे साथी नेताओ साथे अनेक मुद्दाओ पर चर्चा करी हती। आ मीटिंग दरमियान पीएम मोदीए जाहेरात करी हती कि आगामी महिनाओमां भाजप क्विट इंडिया आंदोलन शुरू करशे। आ अभियान
વડાપ્રધાન હેઠળ ભ્રષ્ટાચાર, પરિવારવાદ અને તુષ્ટિકરણને ભારત છોડવા માટે કહેવામાં આવશે. સંસદમાં ચોમાસુ સત્રના 14મા દિવસે લોકસભામાં અવિશ્વાસ પર ચર્ચા પહેલા વડાપ્રધાન મોદીની અધ્યક્ષતામાં ભાજપના સંસદીય દળની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદીએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે વિપક્ષી ગઠબંધન પરસ્પર અવિશ્વાસથી પીડાય છે. વધુમાં કહ્યું કે વિપક્ષ સેમીફાઇનલ ઇચ્છે છે અને સેમીફાઇનલ ગઈકાલે થઈ હતી, જેનું પરિણામ 100ની સામે છે. સામાજિક ન્યાયની વાત કરનારા લોકોએ વંશવાદ, તૃષ્ટિકરણ અને ભ્રષ્ટ રાજનીતિ દ્વારા દેશને સૌથી વધુ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પાર્ટીના સાંસદોને 2024ની લોકસભાની છુટ્ટી પહેલા છેલ્લા બોલ પર છગ્ગો ફટકારવા હાંકલ કરી હતી. मेरे पास तो बहुमत है, ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं. एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे. दिल्ली को राज्य मान रहे थे, सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है. રાજસ્થાનમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ફરી એકવાર રાહુલ ગાંધી મેદાનમાં આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના પૂર્વ અધ્યક્ષ ભારત જોડો યાત્રાના બીજા તબક્કાને ટૂંક સમયમાં જ શરૂ કરવાના છે. આ વખતે રાહુલ ગાંધી પોતાની પદયાત્રાની શરૂઆત ગુજરાતથી કરશે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના મહારાષ્ટ્ર ચીફ નાના પટોલે કહ્યું કે બીજી ભારત જોડો યાત્રા ગુજરાતથી મેઘાલય સુધી થશે. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે આ પહેલા રાહુલ ગાંધી ગુજરાતથી યાત્રા શરૂ કરશે. મળતી માહિતી અનુસાર પોરબંદર કે અમદાવાદથી ભારત જોડો યાત્રાનો પ્રારંભ થઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ યાત્રા 15 ઓગસ્ટ કે 2 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની શક્યતા છે. કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારીએ કહ્યું કે મ્યાનમાર તેની સરહદ મણિપુર સાથે વહેંચે છે. ચીન સાથે મ્યાનમારની મિલિટરી જૂંટાન સંબંધો જગજાહેર છે, જેથી મણિપુરમાં જે પણ અસ્થિરતા સર્જાય છે તે દેશને જ નહીં પરંતુ તે ભારતની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને પણ અસર કરે છે. આ સંદર્ભમાં ચીનનો પણ ઉલ્લેખ કરતા તેમણે જણાવ્યું કે એપ્રિલ 2020માં નિયંત્રણ રેખા પર ભારતીય સરહદમાં ઘૂસણખોરી કોઈ એક જગ્યાએ નહીં પરંતુ 8 જગ્યાએ થઈ હતી. કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે હું સરકારને પૂછવા માંગુ છું કે ઘૂસણખોરી 37 મહિના બાદ પણ શું સરકાર આ ઘૂસણખોરી પર એક નક્કી કરી શકી કે આ ઘૂસણખોરી પાછળ ચીનનો રાજકીય ઇરાદો શું છે. આજ સુધી ગૃહમાં ચીન પર કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. આ પ્રકારની ઘૂસણખોરી શું ગુપ્તચર તંત્રને ખબર ન પડે. કોંગ્રેસ સાંસદે પૂછ્યું કે ચીન સાથે 18 રાઉન્ડની વાતચીતનો ઉકેલ શું છે. ચાહતે હૈ કે 18 રાઉન્ડ મિલિટરી ટુ મિલિટરી વાતચીત હોઈ હૈ ચીન કે સાથ, ઓર 18 રાઉન્ડ મે ક્યા નિષ્કર્ષ નિકલા હૈ? क्या ये बात सही है कि जितने बफर जोन बने हैं वो सारे बफर जोन भारत की सरजमीन में बने हैं? जितने बफर जोन बने हैं मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स के बावजूद वो बनस्पत वो भारत की सरजमीन में बने हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत चल रही है चीन के साथ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये सारे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आप सरकार को देना पड़ेगा. વિપક્ષને પડકારતા કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજ્જુએ લોકસભામાં કહ્યું કે આજે વિપક્ષી પાર્ટીના નેતાઓ આરોપ લગાવે છે કે ચીન ભારતમાં ઘૂસી ગયું છે, ચીનના લોકો વસી ગયા છે, પણ પરિસ્થિતિ એવી નથી. તમે લોકો અહીં બેસીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરો છો. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે હું તમામ નેતાઓને કહું છું કે આ ચોમાસુ સત્ર પછી તમે મારી સાથે અરુણાચલ ચાલો, હું તમને અરુણાચલ પ્રદેશ બતાવીશ અને તમે જોશો કે ચીન ક્યાંય ઘૂસ્યું નથી. આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશાની બોર્ડર પર બીએસએફની મોટી કાર્યવાહી. તો આ અંગે વાત કરીએ કે ઓડિશાના મલકાનગીરી જિલ્લામાંથી સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન નક્સલીઓનો મોટા પ્રમાણમાં શસ્ત્ર સરંજામ મળી આવ્યો છે. બીએસએફની અધિકારીના કહેવા મુજબ આ વિસ્તારોમાં નક્સલીઓની હાજરીની ઇનપુટ મળ્યા બાદ સર્ચ ઓપરેશન ચલાવાયું હતું, જેમાં 3 નોટથી 3 રાયફલ, હેન્ડ ગ્રેનેડ, મોટર બોમ્બ સહિત મોટા પાયે હથિયારો મળી આવ્યા.
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं मोंघवारी बेरोजगारी मणिपुर हिंसा सहित मुद्दाओं पर दिल्ली जंतर मंतर मैदान में भारे विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार सामे विरोध व्यक्त करने सांसद घेरू सूत्रोच्चार साथ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जंतर मंतर मैदान में एकत्र था। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास कांग्रेस पार्टी नेता पवन खेड़ा अलका लांबा और सुप्रिया सिनेत प्रदर्शन में हाजर था। प्रदर्शन करनार कांग्रेस कार्यकर्ताए जणाव्युं कि मणिपुर में भाजप सरकार शासन में हिंसा थई रही छे अने प्रदेश ने बचावा माटे अमे विरोध प्रदर्शन कर्युं छे। मणिपुर हिंसा ना कारणे प्रदेश में कुल 100 थी वधु लोकोना मौत पण थया छे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा ने सदस्यता मेळव्या बाद पहली बार तेमना मतविस्तार वायनाड की मुलाकात लेशे। 12मी-13मी ऑगस्ट रोज राहुल गांधी वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानिक लोगों ने मळशे। कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाले आ विषे ट्वीट कर जानकारी आपी हती। मोदी अटक बदनक्षी केस में सूरत की कोर्टे राहुल गांधी ने 2 वर्ष की सजा फटकारता 24मी मार्च रोज लोकसभा में सांसद तरीके गैरलायक ठहरवामां आव्या हता। जो कि सुप्रीम कोर्टे सूरत कोर्ट आदेश पर स्टे आपता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पुनः स्थापित थई छे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्डाए जणाव्यु कि विशेषाधिकार समिति ने नोटिस मोकली और त्यार पछी हूँ तेनो जवाब आपीश। बिल ने सिलेक्ट कमिटी ने मोकलवाना प्रस्ताव में सही की जरूर पड़ती नहीं। आ साथ जे पण तमने कहू कि विपक्षी इंडिया गठबंधन 102 सांसद सभ्यों बिल नी विरुद्ध मतदान करू संसद में आ बिल ने अटकावी शक्या नहीं परंतु कोर्ट में तेनी सामे लड़त लड़ीशू। सुप्रीम कोर्टे दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर की सत्ता चुकादो केजरीवाल सरकार की तरफेण में आप्यो हतो। दिल्ली सेवा बिल मुद्दे लगभग 6 कलाक सुधी चर्चा और मतदान कर्या बाद राज्यसभा में पसार करवामां आव्युं। जो कि जारे सदन में आ बिल विषे चर्चा थती हती त्यारे आम आदमी पार्टी ना सांसद राघव चड्डाए बिल ने सिलेक्ट कमिटी ने मोकलवानो प्रस्ताव रजू कर्यो हतो जेमां केटलाक सांसद सभ्योए समर्थन आप्यो होवानो दावो करायो हतो। बीजेडी ना सांसद सस्मित पात्राए जणाव्युं कि जारे प्रस्ताव रजू करवामां आव्यो त्यारे सांभळायुं कि तेमां मारुं नाम पण शामिल छे। मारी मंजूरी वगर नाम अने सहीनो उपयोग करायो छे आनी तपास थवी जोईए। आ विशेषाधिकार हननो मामलो छे। आ विषे भाजपना सांसद रमेश बुधुरीए आम आदमी पार्टी की झाटकनी काढता कह्यूं कि आ छेतरपिंडी छे। आ खूब दुर्भाग्य छे कि खोटी सही करी सदन में प्रस्ताव रजू करवामां आव्यो। नियमों के विरुद्ध नहीं फोर्जरी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बाहर तो डकैती डाल रहे, दिल्ली को लूट रहे, लेकिन पार्लियामेंट में भी एक मोशन जाली साइन करके दे देना बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये लोग तो ठीक बात है, देश को भी बेच सकते हैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कि जो सम्मानित सदस्य हैं उनके जाली साइन कर मोशन पास कर दिया कि ये बिल कमेटी में अंदर चला जाए, तो इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए। और उन मेंबर्स ने हाउस में खड़े होकर कहा प्रिविलेज में जाएंगे कि हमारे जाली साइन किसने किए, तो ये देश के लोगों को विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ना राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिले जणाव्यु कि कायदा प्रमाण बिल ने सिलेक्ट कमिटी ने मोकलवाना प्रस्ताव में नाम शामिल करने मुद्दे सांसद सभ्यों की मंजूरी की जरूर नहीं। जो कोई सांसद सभ्य वांधो उठावे कि तेमने आ प्रस्ताव रजू करनार कमिटी में शामिल थवुं नहीं तो आपोआप तेमनुं नाम डिलीट थई जाय छे। कमिटी ने मंजूरी आपी के नहीं ए सदन नक्की करे छे। दिल्ली सेवा बिल मुद्दे राज्यसभा में चर्चा थई रही हती त्यारे आम आदमी पार्टी ना नेताए आ बिल ने सिलेक्ट कमिटी ने मोकलवानो प्रस्ताव रजू कर्यो हतो त्यारे बीजेडी ना पार्टी ना सस्मित पात्रा सहित अन्य 5-5 सांसद सभ्योए वांधो उठाव्यो हतो के तेमनी मंजूरी वगर प्रस्ताव में तेमनुं नाम अने सही उमेरवामां आवी छे। कानून क्लियर है कि मुझे मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे किस मेंबर को कमिटी में रखना है उसकी सहमति लेनी नहीं है। कानून में प्रावधान है अगर वो असहमति जताएगा कि मुझे इस कमिटी में नहीं रहना है तो ऑटोमेटिक वो नाम डिलीट हो जाएगा, वो खारिज होगा। ये तय हाउस करता है कि इस कमिटी को अप्रूव करे या ना करे, पर उससे पहले कानूनन मेंबर का अधिकार होता है कि ये नाम सजेस्ट मेरा हुआ है पर मुझे नहीं रहना है।
आम आदमी पार्टी ना सांसद संजय सिंह दावो कर्यो छे के जेम खोटा आरोप लगावी राहुल गांधी नी लोकसभा सदस्यता छीनवामां आवी हती तेवी ज रीते केन्द्र सरकार राघव चड्ढा नी पण सांसद तरीके नी सदस्यता छीनवा मांगे छे। अमे सामान्य लोकोना अधिकारो माटे पण लड़ीशुं। अमे भाजप थी डरता नथी। जो राघव चड्ढा नी सदस्यता छीनवामां आवी तो तेओ फरीवार सांसद तरीके चूंटाईने सदनमां आवशे। देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं। हम इनसे डरते नहीं, इनसे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर राघव की सदस्यता ली तो राघव फिर चुन के आएंगे और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी जंग जारी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जणाव्यु कि केटलाक राजकीय पक्षों नेताओं ने संसद की बहार जुठ्ठाणु फैलावानी टेव छे, परंतु तेवो भूली गया कि संसद भवन की अंदर आ चालतु नथी। सदन होबाणाथी नहीं परंतु नियमोथी चाले छे। आ लोको देशने भ्रमित करवानो प्रयास करे छे, परंतु लोकसभा अने राज्यसभा मां उघाड़ा पड्या छे। आम आदमी पार्टीए दिल्ली सेवा बिलने गैरबंधारणीय जाहेर कर्यो हतो। केटलाक लोकोए खोटी जानकारी आपी संसदने भ्रमित करवानो प्रयास कर्यो। आ स्थिति दर्शावे छे कि तेओ कोई पण हदे जई शके छे। जिस तरह से बाहर झूठ बोलने की आदत कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को है, तो शायद ये भूल गए कि सदन के अंदर ये चलता नहीं, सदन नियमों से चलता है। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिल मिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं। दिल्ली सेवा बिल सोमवार मोड़ी रात राज्यसभा में पसार थई गयु छे। आ बिल पास थया बाद तेमनो विरोध करी रहेली आम आदमी पार्टीए लड़ाई चालू राखवानुं कह्युं हतुं। राज्यसभाना सांसद राघव चड्ढाए कह्युं कि आ बिल राज्यसभामां पास थई गयुं होवा छतां हवे अमे तेनी सामे सुप्रीम कोर्टमां लड़ीशुं। राघव चड्ढाए राज्यसभामां आ बिल पास कर्या बाद कह्युं हतुं कि भले अमे आ बिलने राज्यसभामां पसार थता रोकी न शक्या, परंतु अमे न्यायतंत्रमां आ बिल सामे लड़त आपीशुं। सोमवारे मोड़ी रात्रे सत्तारूढ़ भाजपे बहुमती साथे राज्यसभामां आ बिल पास करावी हतुं। राज्यसभामां आ बिलना पक्षमां 131 अने विरोधमां 102 वोट पड्या हता। महत्वनुं छे कि ज्यारथी ज दिल्ली सेवा बिल ज्यारथी ज पसार थयुं छे त्यारथी ज तमाम पार्टीओ आ बिल अंगे सतत विरोध करी रही छे। संसदना चौमासु सत्रना अंतिम सप्ताहमां लोकसभामां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चानो आजे बीजो दिवस छे, त्यारे आजे विश्वास प्रस्ताव पर केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह पण चर्चामां शामेल थशे। आ उपरांत नाणाप्रधान निर्मला सीतारमण पण अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चामां भाग लेशे। विपक्षी गठबंधन इंडिया तरफथी केन्द्र सरकार सामे लावामां आवेला अविश्वास प्रस्ताव पर गईकाले चर्चा शुरू थई छे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोईए चर्चानी शुरूआत करावी हती। प्रथम दिवसे 6 कलाक सुधी चर्चा चाली हती। आ साथे ज आवतीकाले राहुल गांधी चर्चामां भाग ले तेवी संभावना छे। तो पीएम मोदी आवतीकाले सांजे 4 वागे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब आपशे। मणिपुर हिंसा मुद्दे पीएमना मौनने तोड़वा माटे विपक्षी गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाव्यो छे। मणिपुर मुद्दे केन्द्र सरकार सामे लावामां आवेला अविश्वास प्रस्ताव पर प्रथम दिवसे लोकसभामां उग्र चर्चा जोवा मळी हती, जे दरमियान केन्द्रीय प्रधान नारायण राणे लोकसभामां पित्तो गुमाव्यो बैठा अने साथी संवाद अरविंद सावंते पण आकरी अंदाजमां बेसी जवा माटे कहता जोवा मळ्या हता। आ मामले आम आदमी पार्टीए मोदी सरकारना प्रधाने घेरवानो प्रयास कर्यो छे। आप द्वारा ट्वीट करीने कहेवायुं छे कि पीएम मोदीना मंत्रीनी गुंडानी भाषानो उपयोग करी संसदनी अंदर धमकी आपी रह्या छे अने तेओ बची गया, જ્યારે વિપક્ષી સાંસદોને મોદી સરકારને સવાલ પૂછવા બાબતે સસ્પેન્ડ પણ કરાયા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન અરવિંદ સાવંતેને પણ નારાયણ રાણે કહ્યું કે અરે નીચે બેસ, આ મામલે લોકસભા સ્પીકરે હસ્તક્ષેપ કર્યો તો કહ્યું કે સાવંત પાસે પીએમ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ સામે બોલવાની ઓકાત નથી। આ મામલો આમ આદમી પાર્ટીએ ઉઠાવ્યો।
व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, अवकात नहीं, अवकात नहीं उनकी। पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की उंगली भी बताया ना, थैंक यू, तो तुम्हारी अवकात मैं निकालूंगा। क्या असली है? મણિપુરમાં હિંસા રોકવા માટે કેન્દ્ર સરકાર વધુ કેટલાક પ્રયત્નો શરૂ કર્યા છે, જે અંતર્ગત કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ આજે કુકી સમુદાયના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરવાના છે। અમિત શાહ પહેલા મણિપુર મુલાકાત સમયે મૈતઈ અને કુકી સમુદાયના નેતાઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે। મણિપુરના સમાજમાં મહત્વનું યોગદાન આપનારા મહિલા દળના નેતા સાથે પણ અમિત શાહ ઇમ્ફાલ અને દિલ્હીમાં મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે મણિપુરમાં મૈતી અને કુકી સમુદાય વચ્ચે હિંસાના કારણે અત્યાર સુધી 160થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે 1000થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ સાંસદ તરીકેની સદસ્યતા પર મેળવ્યા બાદ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે પ્રથમ જનસભા સંબોધિત કરવાના છે। રાહુલ ગાંધી આજે રાજસ્થાનના બાંસવાડાના પ્રસિદ્ધ સ્થળ માનગઢ ધામની મુલાકાતે છે। રાહુલ ગાંધી ભારત જોડો યાત્રા બાદ પહેલી વખત રાજસ્થાનમાં રેલીને સંબોધિત કરવાના છે। ચાલુ વર્ષે રાજસ્થાન વિધાનસભાની ચૂંટણી છે અને તેને લઈને કોંગ્રેસની રણનીતિ જોતા આ રેલી મહત્વની છે, તો આ સાથે જ સાંસદ પદ પરત મળ્યા બાદ પણ આ પહેલી રેલી હોવાથી સૌની નજર રાહુલ ગાંધીની જનસભા પર છે।